बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज आपकी बहन आपके लिए नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू चने। काले चने मैंने लिए हैं और आलू लिए हैं, और साथ ये प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें ये लिए। ये इमली का मैंने पल्प निकाला था, ये मैंने निकालिया हुआ हाफ प्याली, और ये मैंने लिया था 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून दरर मिर्च ली है, 1 टीस्पून पिसा जीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया चाट मसाला, 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, और 1 टीस्पून मैंने ये लिया है टाटरी, ये मैंने लिए। इनको, इन तमाम खुश्क मसालों को मैं, ये इमली का जो मैं पल्प लिया है ये इसमें मैं शामिल कर दूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, आप भी बनाइएगा। ये रमज़ान हो, वैसे अगर आपका दिल चाह रहा हो, ये आपको पता है डाइट फ्री होते, इसमें कोई ऑयल कोई चीज़ भी शामिल नहीं होती। ये 1 पाव मैंने चने लिए थे और 1/2 किलो मैंने आलू लिए थे। 1 पाव चने मैंने रात को भिगो दिए थे और सुबह इसे मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया। ये देखे बिल्कुल अच्छी तरह मैश हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह ये गल गए हैं। और 1/2 किलो आलू लिए थे, 1 चम्मच मैंने डाल के इनको मैंने बॉयल कर लिया, इसे क्यूब्स में मैंने काट लिया है। और 1 बड़ा प्याज लिया था और थोड़ा सा हरा धनिया, और 1 टमाटर और 2 हरी मिर्चें ली थी, इनको मैंने सारा बारीक बारीक काट लिया है। टमाटर भी देख ले बिल्कुल बारीक कटे हुए हैं। और ये 1 गिलास पानी मैंने लिया है जो इसमें मैं शामिल करूँगी, ये पतला सा लिक्विड सा तैयार करूँगी। और इस जो लिक्विड होगा इसी चने और आलू इन्हीं तमाम चीज़ों में डाल दूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे इस तमाम बहन भाइयों के बहुत से कमेंट्स, बहुत ज़्यादा लाइक मुझे मिल रहे हैं। मैं बे इंतहा खुश हूँ कि मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी आने वाली रेसिपी को मेरे बहन भाई बहुत पसंद करेंगे और मैं अपने बहन भाइयों के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी और लेके आऊँगी। अब ये 1 गिलास जो पानी है वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। ये लिक्विड सा मैंने तैयार कर लिया है, ये बहुत ही मज़ेदार सा लिक्विड तैयार होता है। ये देखिए, ये इमली जो मैंने ली थी, 1/2 पाव इमली थी, इसको मैंने रात को भिगो दिया था और उसको मैंने अच्छी तरह उसकी गुठलियाँ निकाल के इसको अच्छी तरह ड्रेन कर लिया था। अब इसी में तमाम मसाले मैंने शामिल कर दिए हैं। मैंने अब ये चने इसमें मैं शामिल करूँगी, ये आलू शामिल करूँगी, उन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप भी बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये आलू चने कैसे लगे हैं। बहुत मुख्तलिफ किस्म के आलू चने, चना चाट वगैरह बहुत से बनते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ख़ास तौर पर दोपहर को जब खाने को कुछ भी ना हो तो आप ये बनाइएगा और पूरी फैमिली इंजॉय कीजिएगा। मुझे उम्मीद है, मुझे आप बहन भाई अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। मैं कोशिश करती हूँ अपनी बहन भाइयों के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। मेरे व्लॉग को भी सब बहन भाई बहुत पसंद करें और मैं सब बहन भाइयों की बेहद मशहूर हूँ, और आप लोग मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं मुझे इस चीज़ के लिए, मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये देखें, ये मज़ेदार से आलू चने तैयार हो गए। कोई भी इसमें मुश्किल नहीं, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, और मैं उम्मीद करती हूँ ये मेरे बहन भाई ज़रूर बनाएंगे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे फेसबुक में भी मेरा है, मैंने रेसिपी शेयर की है, जब आप बनाएं तो उसकी ज़रूर मुझे जो तस्वीर हो ज़रूर उसमें वो मुझे मुझसे शेयर करें। ये देखिए, ये तैयार हो गए, आप इसका लुक देख सकते हैं। ये नीचे सारे देखिए, ये जूस है, यही साथ आप खाइएगा इन्हीं चनों के साथ, तो आपको बहुत मज़ा देंगे। और इंशाल्लाह अगली रेसिपी लेके कल मैं दोबारा हाजिर होंगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा।